हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है हेयर कर्ल के ऊपर। तो आप ये देख रहे होंगे, ये जो हेयर कर्ल है ये मैंने खुद से घर पर किए हैं। आप भी इन्हें बहुत आराम से घर पर कर सकते हैं बिना किसी हीट के। इन हेयर कर्ल को आपको करने के लिए किसी भी हीट को अपने बालों पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको कोई भी हेयर कलर की ज़रूरत नहीं है और आपके बाल जो हैं बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे, बिल्कुल भी फ्रिजी नहीं होंगे, जो कि आमतौर पर हम हीट यूज़ करने पर हो जाते हैं। तो घर पर इन हेयर कर्ल को बनाने के लिए आपको थोड़े से ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है अगर आपके लंबे बाल हैं मेरी तरह तो, और अगर छोटे बाल हैं तो आप खुद बना लेंगे, वरना किसी की हेल्प ले लीजिए अगर आपके बाल भी ज़्यादा लंबे हैं तो। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी पेशेंस के साथ साथ थोड़े बहुत रबड़ बैंड की, लेकिन पेशेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हमारे हाथ भी थक जाते हैं कर्ल करने के लिए। अब फ्री में कुछ चाहिए तो यार थोड़ा तो मेहनत लगेगी। और यहाँ पर आप देख रहे होगे, सबसे पहले टैंगल्स को रिमूव करना है अपने बालों में से अच्छी तरीके से। तो आप बालों को अच्छे से कॉम कीजिए, टैंगल्स को रिमूव कीजिए लेंथ में से अच्छी तरीके से, और बालों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके बाल बिल्कुल सुलझे रहेंगे और आपको बिल्कुल भी हेयर कर्ल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि हेयर कर्ल को करते समय हमें काफ़ी सारी मेहनत की ज़रूरत होती है चोटियाँ बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी चोटी बनानी पड़ेगी आपको। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ हेयर स्प्रे, नॉर्मल स्प्रे कर रही हूँ मैं, वाटर स्प्रे कर रही हूँ। आप भी पानी का स्प्रे कीजिए अपने बालों पर। अगर बाल गीले हैं तो आप आराम से गीले बालों में बना लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो और अच्छे कर्ल आएंगे, उभर कर आएंगे, बालों में वॉल्यूम भी ऐड होता है। तो पानी का स्प्रे करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे बाल सूखे हुए थे इसलिए मैंने पानी का स्प्रे किया है। इसके बाद दोबारा से हम बालों को कॉम करेंगे, अच्छे से टैंगल्स रिमूव करेंगे, क्योंकि पानी का स्प्रे करने के बाद भी थोड़े बहुत बाल जो हैं वो एक दूसरे में उलझ जाते हैं। तो आप भी टैंगल्स को रिमूव कीजिए और पानी का स्प्रे करने में कंजूसी मत कीजिए। वैसे तो ये गीले बालों में करेंगे आप जो कर्ल हैं तो ज़्यादा अच्छे आएंगे, बट सूखे बालों में अगर है तो कोई बात नहीं, स्प्रे कर लीजिए आप वाटर को बालों के ऊपर। इसके बाद आपको क्या करना है, पतले पतले सेक्शन लेके अपने बालों की चोटियाँ बनानी है। नॉर्मल ब्राइड्स आप बनाइए, थोड़ी टाइट रखिए चोटियों को। इससे क्या होगा, जो कर्ल हैं वो अच्छे से उभर कर आएंगे, थोड़े से हैवी कर्ल आएंगे आपके। तो आप अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग इन चोटियों को बना सकते हैं। आपको जितना पतला बनाएंगे आप, पतली चोटियाँ बनाएंगे जितनी ज़्यादा पतले बालों की सेक्शन लेके, उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम आएगा बालों में और ज़्यादा कर्ल आएंगे और हैवी आएंगे कर्ल। तो आप कोशिश कीजिए कि इससे भी पतली बनाइए। मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं और हैवी भी हैं, तो मैंने थोड़ा सा मोटे मोटे सेक्शन लेकर उसके बाद मैंने इनकी चोटियाँ बनानी स्टार्ट की है। और चोटियाँ बना के आपको इसके एंड को टाई कर देना है बिल्कुल रबड़ बैंड की हेल्प से, और आपको अच्छी तरीके से टाई करना है ताकि ये बिल्कुल भी खुले ना, क्योंकि इसे हमें काफ़ी देर तक रखना पड़ेगा। तो मैंने इसीलिए बोला था कि पेशेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस हेयर लुक को क्रिएट करने में। तो इसके बाद आपको फिर से अगेन क्या करना है, आपको दोबारा सेक्शन लेना है और पानी का स्प्रे कीजिए। मेरे बाल सूखे हैं तो मैं इसीलिए स्प्रे कर रही हूँ। अगर आपके बाल गीले हैं तो आप रहने दीजिए, अदरवाइज़ अगर आपके भी सूखे हैं और फिर भी आप कर रहे हैं कहीं जाने के लिए ये कर्ल, तो आप कोशिश कीजिए कि पानी का स्प्रे कर लीजिए। और आपको फिर दोबारा चोटियाँ बनानी है और सेम चीज़ को आपको प्रोसेस को रिपीट करना है अपने सारे बालों पर। सेक्शन वाइज आप कर लीजिए, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको इसका। थोड़ी मेहनत आपको लगेगी इसको करने में, मुझे पता है, मुझे भी लग रही थी। अकेले ही मैंने सारी चोटियाँ बनाई थी खुद, और मैंने यहाँ पर बार बार लेंथ में भी पानी का स्प्रे अच्छे से किया है ताकि बाल गीले हो जाएँ। और उसके बाद मैंने इसकी चोटियाँ बनाई हैं, क्योंकि गीले बालों में ही कर्ल आते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप पानी का स्प्रे करना बिल्कुल ना भूलें। और ये सारी चोटियाँ अपने बालों की मैंने खुद ही बनाई है, बहुत मेहनत लगी गाइस, लाइक किए बिना तो बिल्कुल मत जाना अगर वीडियो हेल्पफुल रहे तो। आप देख रहे होंगे मेरे बालों में जो मैंने सेक्शन किए हैं वो थोड़े मोटे मोटे सेक्शन लेकर मैंने इनकी चोटियाँ बनाई है, क्योंकि मेरे हाथ दर्द कर रहे थे। हेल्प नहीं ली मैंने किसी की, खुद ही किया है मैंने ये। एक्चुअली कोई हेल्प करने के लिए उस टाइम पे था नहीं, तो इसीलिए मैंने खुद ही बनाया है, अकेले शूट कर रही थी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे वापस से मेरा एक सेक्शन जो है, एक पार्ट है वो डन हो गया है और दूसरा पार्ट मैं कर रही हूँ यहाँ पर। तो दूसरे पार्ट की चोटी भी हम सेम तरीके से, सेम प्रोसेस से, बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने पहला सेक्शन डन किया अपना, डिवाइड किया हुआ। तो आपको सेम तरीके से, बस आप कोशिश कीजिए कि चोटियों को थोड़ा टाइट रखिए। ये जितनी भी ब्राइड्स बनेंगी ये सब बिल्कुल ऐसे ही टाइट होनी चाहिए,
क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर चोटियाँ जो हैं वो थोड़ी ढीली रहेंगी तो क्या होगा कि वो कर्ल जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आएंगे, बहुत ही हल्के से कर्ल आएंगे। तो इसीलिए आपको कोशिश कीजिए कि आप चोटियों को थोड़ा टाइट बनाइए, और अगर हेल्प लेनी हो तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं बिल्कुल बिना झिझक। अगर कोई करना चाहे तो इस मेहनत को साथ में आपके, तो आप हेल्प ले लीजिए। और उसके बाद आपको करना है रबड़ बैंड से टाई। इसको रबड़ बैंड आप ले लीजिए, काफ़ी सारे लगेंगे अगर आप बहुत सारी चोटियाँ बनाते हैं तो मैं दोबारा कह रही हूँ, आप पानी का स्प्रे करना मत भूलिएगा, वरना कर्ल बिल्कुल भी अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि उसी से कर्ल जो है वो इसके ऊपर बालों के ऊपर थोड़े से बनते हैं, और उसको बनाने में पानी ही हेल्प करता है। तो आप कोशिश कीजिए अच्छी तरीके से आप चोटियों को बनाइए सारे। और मैं यहाँ चोटियाँ बनाते बनाते बात कर रही थी फ़ोन पर, तो इसलिए थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, मैं इसमें बातें करते हुए भी दिख रही होंगी। तो मेरा जो बालों का सारा ब्राइड्स है वो लास्ट है, ये अब मैं लास्ट बना रही हूँ, तो उसके बाद ये पूरा डन हो जाएगा। ये पूरा का पूरा डन हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, जितनी भी आपने ये सारी चोटियाँ ब्राइड्स बना रखी है ना, इसके ऊपर आपको वापस से वाटर स्प्रे करना है अच्छी तरीके से, पूरी लेंथ पे लेके। और आप अपने जहाँ से स्टार्ट होती हैं ये पूरी ब्राइड्स, वहाँ से आपको पूरा वहाँ तक वाटर स्प्रे करना है। इसके बाद आपको इसको छोड़ना है, अगर आप रात भर छोड़ सकते हैं तो, अगर आपको मॉर्निंग में कहीं जाना है तो आप बहुत आराम से इनको बहुत बढ़िया कर्ल आएंगे। और मैंने यहाँ पर 5 घंटे के लिए इसको सिर्फ छोड़ा था, ओनली 5 घंटे के लिए। तो आप अगर 5 या 4 घंटे के लिए भी करते हैं तो भी आपको आराम से अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं 5 घंटे के बाद एक एक करके इन सारी चोटियों को खोल रही हूँ, और इसके बाद आपको रिज़ल्ट दिखेगा। और गाइज, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, सीरियसली, मतलब इतनी सारी मैंने खुद ही इसको बनाया ना, जब मेरे हाथ दुख गए थे बालों में ही खुद ही चोटी बनाते बनाते, और फिर इनकी जो ओपनिंग कर रही थी मैं चोटियों की, तब रिज़ल्ट मुझे काफ़ी सुकून वाला मिला। तो वही बात है, मेहनत की करने पे जो रिज़ल्ट मिलता है वो बहुत सुकून वाला होता है। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे कर्ल आएंगे अगर इसे पूरा खोल देंगे तो ये पूरे बाल खुलेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है इसका।
सो दिस इज़ द फाइनल लुक। अगर आपके बाल थिन हैं, पतले हैं, बहुत ज़्यादा हैवी बाल नहीं है, और अगर आप ये हेयर लुक अपनाते हैं, इसको ट्राई करते हैं, इस हेयर कर्ल को, तो आपके बालों में वॉल्यूम ऐड होगा, बाल काफ़ी ज़्यादा हैवी लगेंगे। जिनके बाल कम हैं वो लोग भी इस हेयर लुक को आराम से अचीव कर सकते हैं घर पर बिना किसी हीट मशीन के। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।